क्या किसकी सरकार आ रही है? सरकार पे तो सर ऐसा है ना कि बीजेपी से और है। नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हो बीजेपी से और है? काम दिख रहा है ना सर, काम दिख रहा है। काम गुजरात के विधानसभा को कवरेज कर रही है, हमने महसाणा विधानसभा भी कवरेज किया। अंदर फिलहाल है तो वो है केजरीवाल जी का बहुत काम अच्छा है। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने इतना विकास कर दिया, हमने ये कर दिया, वो क्या होगा? मोदी जी जो कह रहे हैं, हम तो मर गए उनके राज में जाके। अच्छा, क्या लग रहा है आम आदमी? हमारे वो देखो बस आई, कहता हूँ बीजेपी आएगी तो और भी है यहाँ पर। देखो यहाँ क्या लग रहा है, हवा किसकी बह रही है? हमको तो ऐसा लगता है कोई भी आवे, मतलब प्रजा की सेवा के लिए आवे कोई भी। राजा को चुनती है जनता और राजा उनकी परवरिश करता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रमेश सोलंकी। हम गुजरात के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर हैं, जिसे कालूपुर रेलवे स्टेशन भी बोलते हैं। आज खबर एक्सपर्ट टीम सुबह से गुजरात के विधानसभाओं को कवरेज कर रही है। हमने महसाणा विधानसभा भी कवरेज किया, हमने आश्रम साबरमती आश्रम विधानसभा भी कवरेज किया और एक नगर कोई वो भी कवरेज किया। अब हम अहमदाबाद हैं, यहाँ पर भाई लोग कुछ खड़े हुए हैं इनके, बात करेंगे क्योंकि असली हीरो तो ये हैं, यही जनता को चुनते हैं, जनता ही राजा को चुनती है, यही चुनेंगे मुख्यमंत्री। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हसमुख चावला। कहाँ से हो चावला जी? मैं प्रॉपर गुजराती हूँ। गुजराती भाषा आती है? गुजराती तो क्यों नहीं? कुछ थोड़ा सा बोल दो कुछ गुजराती। हाँ तो बोलो, शु काम छे, मजा मा। अच्छा, हम एक चीज पूछेंगे, चुनाव आने वाले, वोट डालते हो? क्यों नहीं सर, चौकस। भैया इधर इधर आ जाइए आप, कुछ डरते हैं। अरे इधर आ जाओ। हाँ इधर। तो हम आप बात कर रहे और भी हैं, बात करेंगे, यहाँ पर रोड बहुत है। तो चावला जी, क्या लग रहा है कि क्या किसकी सरकार आ रही है? सरकार में तो सर ऐसा है ना कि बीजेपी से और है। नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हो बीजेपी से और है? काम दिख रहा है ना सर, काम दिख रहा है, काम बोलता है, हर तरह का काम दिख रहा है उनका। और सपा भाजपा और ये बसपा, ये क्या कर, जो सॉरी ये कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है, वो पूरा दम लगा रही है। कांग्रेस तो ऑलरेडी 25-26 साल से है ही नहीं, वो तो सत्ता में, तो क्या वो तो खाली पोस्टर बैनर लगा है के भाई हमारा काम बोलता है। 25 साल से तुम हो ही नहीं तो फिर काम कहाँ से बोलेगा? काम तो 25 साल के बीजेपी कर रही है। हाँ, अभी यहाँ पर भी बोलेंगे और बम्बल बुलाएंगे, हमारे साथ और भी खड़े हुए हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ अभी हमारे बाबूजी खड़े हुए हैं। बाबूजी क्या नाम बाबूजी? कुशाल दास, यहीं से बाबूजी, गुजरात से ही हो? हाँ बाबूजी, वोट है अब 1 दिसंबर को और 5 दिसंबर को वोट पड़ने हैं, वोटिंग होनी है, तो क्या लग रहा है? वो तो भगवान जाने क्या लग रहा है। वैसे हवा कैसी बह रही, किसकी बह रही? तो हम तो कई सुबह 9 बजे दुकान में बैठते हैं, रात को 10 बजे 12। आप दुकान पे बहुत से कस्टमरों से आते होंगे, जाते होंगे, बात पूछते नहीं है? कोई पूछते ही नहीं, हम हमारे को ऐसा टाइम ही नहीं होता है। क्या आम आदमी पार्टी आ रही है? लोग बता रहे हैं आम आदमी पार्टी आ रही है। पता नहीं है, कोई हमको माहौल का मालूम ही नहीं है। वोट डालोगे कि वोट? वोट डालेंगे जरूर। अच्छा, विकास कैसा हुआ है? विकास अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है। महंगाई? महंगाई का तो कोई पार नहीं लेवल है। अच्छा, रोजगार कैसा है? रोजगार बढ़िया है। रोजगार बढ़िया है। तो क्या लग रहा है, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की सफल होगी, उनका कुछ रंग लाएगी? वो तो कुछ नहीं कह सकते, नहीं वो अभी नहीं बता सकते, कुछ नहीं। अच्छा, कह सकते। अच्छा, अभी और भी हैं भैया, बताएंगे। कह रहा भैया आपका? जाकिर। अच्छा, क्या लग रहा है आम आदमी? हमारे वो देखो बस आई, कहता हूँ बीजेपी आएगी। तो और भी हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर दुकानदार, क्योंकि हो सकता है कि बनावटी बात कर लें, लेकिन ये गरीब बेचारे जो अपना रोजगार चलाते हैं अपनी मेहनत करके, इनको मालूम है कि सरकार किसकी आनी है, क्या उनको बीजेपी ने दिया, क्या कांग्रेस ने दिया। क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल, यहीं के रहने वाले हो? नहीं, हम तो बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले हो? अच्छा, तो वोट यहाँ का है आपका? वोटर नहीं है हमारा। अच्छा, तो क्या लग रहा है, यहाँ पर बहुत से ग्राहक आते होंगे, गुजराती आते होंगे, तो क्या सरकार किसकी बन रही है? तो सरकार किसकी बन रही है, यहाँ का पब्लिक को पता होना चाहिए ना, अपने को थोड़ी पता। लोग यहाँ पर बात करते हैं, किसकी ज़्यादा बात करते हैं? कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, तो उसका कुछ फर्क पड़ रहा है? तो फर्क पड़ेगा ना। भैया बताएंगे पूरा, क्या नाम है? मोइनुद्दीन। अच्छा मोइनुद्दीन, वोट डालते हो? डालते ना। क्या आपका वोटिंग कब है? 1 तारीख को या 5 तारीख? 5 तारीख। 5 तारीख को। क्या लग रहा है, हवा किसकी बह रही है?
हमको तो ऐसा लगता है कोई भी आवे मतलब प्रजा की सेवा के लिए आवे कोई भी। अच्छा, ऐसा कौन सा सेवक समझते हो जो प्रजा की सेवा करेगा, ऐसा विश्वास कुछ हो, भाजपा या फिर कांग्रेस या आम आदमी? हमको तो केजरीवाल ठीक लगते हैं। अच्छा, ऐसी क्या अच्छाई है केजरीवाल में, क्या बुराई है राहुल गांधी? केजरीवाल में ये इच्छा है कि केजरीवाल जी का बहुत काम अच्छा है, मतलब लाइट बिल है, गैस के बाटले का पैसा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, ये सब काफ़ी बहुत माफी है उसमें। महीनों से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे राहुल गांधी, उनका फिर क्या होगा? उनका तो मुझे पता नहीं, जो अभी हाल के अंदर फिलहाल है तो वो है केजरीवाल जी का बहुत काम अच्छा है। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने इतना विकास कर दिया, हमने ये कर दिया, वो क्या होगा? मोदी जी जो कह रहे हैं, हम तो मर गए उनके राज में भी, क्योंकि हमारे बच्चों की पढ़ाई क्यों, उसकी उनका स्कूल का जो फी है 50,000-55,000 हम कहाँ से भरेंगे? हम तो छोटे मोटे धंधे वाले व्यापारी इंसान कहाँ से भरेंगे? लॉकडाउन का 1,00,000 रुपया फी मांग रहे स्कूल वाले, हम कहाँ से ला के भरेंगे, चलो बताओ आप। तो वो केजरीवाल जी के अंदर थोड़ा सहायता है कि दिल्ली के अंदर काफ़ी स्कूल की बच्चों की माफ़ी है, समझो मेरी बात आप, गैस के बाटले में, लाइट बिल में। अभी मेरे घर में रोज़ महीने का करीबन 5,000-6,000 लाइट बिल आता है, मानो अब 5,000-6,000 लाइट बिल भर के मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? ये सब सारी दिक्कत है। उन्होंने अपने दिल की बात बताई कि कैसे बच्चे पालूंगा, महंगाई इतनी। भैया क्या नाम आपका? अमजद खान। क्या लग रहा है ये भैया बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आ रही है, कैसा लग रहा है आपको? आम आदमी पार्टी आई है, आ रही है। अच्छा, आ जाएगी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? कहना तो क्या चाहिए, आम आदमी पार्टी का तो कोई नहीं, लेकिन अपने को तो भाजपा का लग रहा है। भाजपा आ रही है? भाजपा आएगी। अच्छा, भाजपा क्यों आ रही है, कुछ अच्छा ही नहीं? वो अच्छा तो अभी करती है ना, सारा जो तो आज तक तो किया है। दो दिन काम बता दो। मोदी करते हैं, अच्छा अच्छा काम करते हैं, तो अभी वही आनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं भैया? बोल रहे हैं भाजपा आ रही है, आप बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी आ रही है। आम आदमी पार्टी भी नहीं आनी चाहिए, भाजपा भी नहीं आनी चाहिए, कांग्रेस ही आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए, आप कह रहे हो आम आदमी आनी चाहिए? बराबर, मेरा कहना ये है कि ना तो कांग्रेस ने कभी कुछ किया है, ना भाजपा ने किया है। कांग्रेस ने क्या किया है सच्चा? कांग्रेस ने तो बहुत कुछ किया है, 65 साल राज किया है इंडिया के ऊपर, 40 साल नहीं, कुछ किया, विकास किया, कुछ किया, बहुत कुछ किया। विकास तो देखो, ये तो बस्ती बढ़ेगी तो विकास तो ऑटोमेटिक होगा, कोई ऐसा नहीं है कि देश का नेता ही विकास करेगा, ऐसा नहीं होता। भैया का कहना है कि आम आदमी पार्टी आएगी तो स्कूल फ्री हो जाएंगे, शिक्षा फ्री हो जाएगी, गैस कहने की बात है, कोई करता नहीं है फ्री, पैसा तो जो लगता है उधर लेने। दिल्ली में फ्री है, दिल्ली में ये सब चीज फ्री है, आम आदमी पार्टी में दिल्ली में सब चीज फ्री है। और भाजपा ने मेट्रो चालू करा, बुलेट चालू करा, ये चालू करा, बाकी उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी महंगवारी इंसान क्या करेगा, रोज नदी में कूद रहे, आत्महत्या कर रहे, चलो बताओ क्या बताएंगे। महंगाई बहुत है, कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, भैया का कहना है आम आदमी पार्टी पर उम्मीद है कि वो उनको कुछ राहत दे सकती है, बच्चे पढ़वा सकती है। अभी गरीब इंसान को नेता बनाएंगे तो गरीब इंसान कुछ नहीं कर सकेगा, बरोबर। और जो उद्योगपति है पहले से चलते आए कांग्रेस के टाइम से, कांग्रेस उद्योगपति है, उनके पैसे की कोई जरूरत नहीं है, वैसे इंसान देश चला सकते हैं। बाकी भैया ने बताया कि गरीब को राजा बनाओगे तो वो देश नहीं चला पाएगा, लेकिन मोदी तो गरीब हैं। वही तो बोल रहा हूँ देश सही चलने वाले को तुम नेता बना दोगे तो वो कहाँ से देश चलाएगा, वो देश का सत्यानाशी करेगा। तो कांग्रेस चाहते हो कांग्रेस? कांग्रेस की बात नहीं है, जो राहुल गांधी है ना, राहुल गांधी वो देश चलाएगा, उसको पैसे की जरूरत नहीं है। ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी गरीब है तो ये इंडिया का पैसा बाहर कैसे चले जा रहा है? मोदी, नीरव मोदी ले गए दिगला, नीरव मोदी आरोप है तो पैसा दान में दे रहे हैं, अपना लुटा रहे हैं। मेरा नाम बाबा है, और सिर्फ अभी गुजरात में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई आ सकता है, राज कर सकता है तो अरविंद केजरीवाल है, और किसी का कुछ काम नहीं है, सब रजा पे रो, नहीं जाते तो हम भेज देवे, नहीं तो अपने आप से चले जाओ तो अच्छी बात है, तो इज्जत भी रहेगी तुम्हारी। बाकी अभी जो कोई देश चला सकता है तो अरविंद केजरीवाल है, जो उनकी पार्टी है सीबीआई। आपने तो कांग्रेस और भाजपा को खुला चैलेंज दे दिया कि आप इज्जत चाहते हो
तो आप चले जाइए, अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं। मोहर लगा दी है पक्का, अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं। आप क्या कह रहे हो, राहुल गांधी के लिए जगह नहीं है इनके अनुसार, मोदी के लिए नहीं है? सही बात है। तो फिर क्या कांग्रेस क्या कह रहे हो आप, कांग्रेस आएगी नहीं आएगी? कांग्रेस तो आएगी। देखो पंजाब यहाँ पर भाजपा का राज है, जितनी मेरी उम्र है उतने टाइम से, और अब कोई पार्टी में अगर पब्लिक को उम्मीद दिखती है तो अरविंद केजरीवाल है। कांग्रेस का कहीं से कहीं तक का कुछ भी मामला नहीं है, जगह नहीं है। 1,00,000 रुपए फी बाकी है अभी। स्कूल वाले बोलते हैं कि आप फी भरो नहीं तो हम रिजल्ट नहीं देंगे, तो हम क्या करें? बोलो बच्चों को भविष्य पढ़ाए नहीं, उनको उनका भविष्य खराब करे। चलो उन्होंने अभी बताया कि अभी एक भाई ने बताया कि या तो चले जाओ नहीं अपमान सहकर जाओगे। इनका कुछ दर्द है, कुछ उम्मीदें हैं सरकार बदलने का। देखने की बात होगी क्या इनकी उम्मीदें पूरी होती हैं, क्या इनके अनुसार उनको विजय मिलती है, ये तो 8 दिसंबर को ही मालूम पड़ेगा। तब तक देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। जय हिंद, जय भारत।